सभी के सामने टीएलएम के कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। साथियों, अभी की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर टीएलएम पर विशेष जोर दिया जाता है। कहा जाता है कि कक्षा शिक्षक जिस भी कक्षा में जिस विषय वस्तु के बारे में कक्षा में अध्ययन करा रहा है उस विषय वस्तु का टीएलएम उसके पास उपलब्ध हो। तो आखिर ये टीएलएम होता क्या है और इस पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, आइए इसे और अधिक विस्तार से समझते हैं। टीएलएम मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री। अर्थात शिक्षक का कक्षा में पढ़ाने के लिए उपयोग किया गया ऐसा साधन जिसके माध्यम से वह अपनी शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। साथ ही साथ यह शिक्षक की अधिग्रहण प्रक्रिया को और अधिक रोचक एवं स्थायी बनाने का भी कार्य करता है। जानते हैं कि टीएलएम क्या है। टीएलएम मतलब जैसे अगर कोई विषय वस्तु है जिसकी अवधारणाओं को बच्चों को समझाना है तो उसके लिए उपयोग की गई सामग्री वो होती है टीएलएम। मतलब उपयोग की गई ऐसी सामग्री जो किसी विषय वस्तु की अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाने का कार्य करता है वह टीएलएम होता है। तो आइए जानते हैं कि टीएलएम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये टीएलएम तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है दृश्य सहायक सामग्री, मतलब विजुअल एड्स। अर्थात जो ऐसा माध्यम शिक्षक के पढ़ाने का जो बच्चा देखकर पढ़ता है, जिन माध्यमों को जैसे कि बोर्ड के द्वारा देखकर पढ़ता है, और होता है इसके अंतर्गत याद आता है जैसे चार्ट, संग्रहालय भी इसके अंतर्गत आते हैं, चित्र और मानचित्र, ये सब मतलब दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं जिसके द्वारा बच्चा पढ़ता है। और सेकेंड होता है श्रव्य सहायक सामग्री, मतलब ऑडियो एड्स, जिसे बच्चा सुनकर, जिन माध्यमों के द्वारा बच्चा सुनकर पढ़ता है, पढ़ाई करता है, जैसे हो गया टेप रिकॉर्डर, रेडियो और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो रेडियो के माध्यम से भी बच्चा सुनता है और उसी विषय वस्तु के बारे में उसे अध्ययन कराया जाता है। दूसरा होता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके माध्यम से भी बच्चा सुनकर अध्ययन करता है। जैसे किसी महापुरुष या किसी ऐसी विषय वस्तु जिसकी अवधारणा को हमको बच्चों को स्पष्ट कराना है तो उस पर हम टेप रिकॉर्डर के द्वारा बच्चों को सुनाकर उसे अध्ययन करा सकते हैं। तीसरा होता है दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स, जिसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है, जिन माध्यमों के द्वारा बच्चा सुनकर और देखकर दोनों तरीके से अपना अध्ययन कार्य करता है। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं नाटक, सिनेमा, टेलीविजन और कंप्यूटर। तो ये सब दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं कि टीएलएम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो टीएलएम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, कक्षा में और अधिक रोचक और आकर्षक बनाने के लिए हमें टीएलएम की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारे साथ ही साथ अध्ययन कार्य को भी आसान बनाता है और जो बच्चों की जो जिज्ञासा रहती है ना, बच्चों की जिज्ञासा रहती है कि मतलब ये शिक्षक ने क्या लाया है, ये क्या, इसे क्या पढ़ सकते हैं, तो उस जिज्ञासा को भी पूर्ण करने में वह हमारी सहायता करता है। साथ ही साथ टीएलएम सरल, जो कठिन अवधारणाएं रहती है, कठिन विषय वस्तु, तो उसकी अवधारणाओं को सरल करने का भी कार्य करता है और साथ ही साथ यह बच्चों की अवलोकन क्षमता को भी बढ़ाने में सहयोग करता है। आइए हम अपने अगले बिंदु पर गौर करते हैं कि टीएलएम की विशेषता क्या है। टीएलएम मतलब कक्षा का वातावरण बहुत बार ऐसे होता है कि उबाऊ हो जाता है, बच्चे बोर हो जाते हैं, तो उसी माहौल को और अच्छा बनाने के लिए, रोचक और आकर्षक बनाने में ये हमारा सहयोग करता है और साथ ही साथ यह बच्चों का मानसिक विकास करने में भी सहयोग करता है। और अगर हम टीएलएम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो जैसे हमारी हमें किसी विषय वस्तु को समझाने में अधिक टाइम लग रहा है तो उसे हम कम समय में आसानी से समझा सकते हैं और ये जटिल से जटिल विषय को सरल बनाने में भी हमारा कार्य करता है। साथ ही साथ यह बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है और बच्चों का ध्यान केंद्रित करने में भी टीएलएम हमारा सहयोग करता है। साथ ही साथ और भी इसकी विशेषताएं हैं, देखें तो ये बच्चों की ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं उन्हें भी सक्रिय करने में हमारी मदद करता है और अमूर्त रूप को एक मूर्त रूप देने का भी मूर्त रूप में प्रस्तुत करने में हमारी सहयोग करता है। आइए जानते हैं कि एक उत्तम टीएलएम कैसा होना चाहिए। तो एक उत्तम टीएलएम सरल और सुलभ होना चाहिए ताकि बच्चा इसे आसानी से समझ सके। जो शिक्षक पढ़ा रहा है
अगर किसी विषय वस्तु को, तो वो उसे इजीली समझ में आ सके, ऐसा हमें टीएलएम का निर्माण करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा टीएलएम मजबूत भी होना चाहिए, ताकि अगर हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाएं, तो वह आसानी से उसे ले जाया जा सके, और टिकाऊ होना चाहिए ताकि जल्दी से वह टूटे ना, कम से कम लंबे समय तक हम उसका इस्तेमाल कर सके, ऐसे होना चाहिए। टीएलएम हानि रहित नहीं होना चाहिए। अधिकांशतः क्या होता है कि हमें ऐसे टीएलएम बनाने होते हैं, कुछ ऐसे विषय वस्तु बनाना होते हैं जिन्हें बढ़ाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है, तो उस जगह हमें बैटरी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि इससे कोई नुकसान ना हो बच्चों को। और साथ ही साथ जो टीएलएम होते हैं, वह कम से कम एक से अधिक कक्षाओं में और 100 अधिक विषयों में इस्तेमाल किया जा सके, एक से अधिक विषय में भी इसका इस्तेमाल किया जा सके, ऐसे हमारा टीएलएम का निर्माण करना चाहिए। आइए इसे एक टीएलएम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने ये एक मैथ्स का टीएलएम बनाया है, जिसमें हमें संख्याओं की समझ विकसित करनी है और स्थानीय मान की समझ भी बच्चों को विकसित करनी है। तो यहाँ पर हम, जैसे अगर हम छोटी कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, तो हम एक अंक की संख्या या फिर दो अंक की संख्याओं को ले सकते हैं, उससे और बड़ी कक्षाओं में हम पढ़ा रहे हैं तो तीन अंकों वाली संख्याएं, और ये साथ ही साथ चार अंकों वाली संख्याओं का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी होगी संख्याओं की समझ विकसित करने में। साथ ही साथ हम अपने इस टीएलएम से स्थानीय मान की समझ विकसित करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3312, ठीक है, 3312, इसमें सैकड़े में जो तीन आया है उसका हमें स्थानीय मान निकालना है। तो हम बच्चों को इजी में ऐसे समझा सकते हैं कि तीन का 100 से गुणा करके एक हम इस तरीके से, और दूसरा कि हम इसे बार बार जो संख्याएं होती है उसको शून्य शून्य कर दिया जाए, तो सैकड़े के तीन का स्थानीय मान 300 होगा। उसी तरह अगर हम ये जो दहाई में का दहाई का अंक है 2, इसका स्थानीय मान निकालना है, तो दहाई का स्थान यहाँ पर फिर से इसे शून्य मिला देंगे, तो दहाई के जो 2 है इसका स्थानीय मान होगा 20। इस तरीके से हम इसे समझा सकते हैं। आपने इस टीएलएम में देखा कि ये देखने में भी आकर्षक लग रहा है, मजबूत भी है, एक से अधिक कक्षाओं में भी पढ़ाने में उपयोगी है, और साथ ही साथ ये हम हमारे जो विषय वस्तु है उसको हम कम समय में बच्चों को और स्पष्ट रूप से समझाने में हमारा ये टीएलएम मदद करता है। एक साथियों, इसी तरह एक और टीएलएम, जैसे हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें डॉग बनाया गया है फोल्डिंग पेपर से। तो जब भी हम फोल्डिंग पेपर कक्षा में बना रहे थे फोल्डिंग पेपर से डॉगी, तो बच्चे बहुत रुचि ले रहे थे कि आखिर क्या बनने वाला है और इससे हम क्या पढ़ेंगे, आज कुछ नया क्या सीखने मिलेगा, उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती है। तो जैसे हम इस टीएलएम का उपयोग छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक कर सकते हैं। छोटी कक्षाओं में जैसे हम उसे 3 सेंटेंस दे रहे हैं, तो बड़ी कक्षाओं में उसी का उपयोग यहाँ पर सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, 5 या 10 सेंटेंस कर सकते हैं कि डॉगी के बारे में 5 सेंटेंस लिखिए। इसी तरह इसका इस्तेमाल हम अपनी अंग्रेजी विषय के साथ साथ हिंदी विषय में भी कर सकते हैं, कि कुत्ते के बारे में अगर हमको कुछ पढ़ाना है, कोई स्टोरी पढ़ाना है, तो यह और भी विषय वस्तु हमारी ऐसी होती है अवधारणाएं कि उसे हम इस टीएलएम के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे अंग्रेजी विषय में भी सहयोग कर गया और हिंदी के विषय में भी। साथियों, आशा करती हूँ कि मैं टीएलएम के बारे में आपको बेहतर तरीके से बता सकी हूँ। अगर आपसे आपके टीएलएम से संबंधित और भी कुछ विचार हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।